एक बालक था। बहुत अच्छा, 20-25 वर्ष का हो गया, उसमें कोई कमी नहीं थी, केवल एक कमी थी कि वो खाता बहुत था, बहुत खाता था। महात्मा जी आए तो गांव वालों ने कहा कि महाराज एक काम करो, इसको ले जाओ। तो महात्मा ने कहा ठीक है चलो। थोड़ा नास्तिक था, कहा ले तो चल रहे हो लेकिन पूजा पाठ नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, केवल भोजन करूंगा। बोले ठीक है चलो, महात्माओं के साथ तो खाने की क्या कमी, चकाचक मिलता ही है। ले गए, साथ में रहने लगा। 4-5 महीना बीता तो महात्मा ने कहा सुनो, एक बार राम कह दो। कहा गुरुजी हमने पहले कहा था कि ये सब काम हम नहीं करेंगे। बोले कह दो एक बार। तो कहा ठीक है, इतना कह रहे हो तो कह देता हूं राम। कहे सुनो, जब तुम मरोगे ना, और जब तुमसे पूछा जाएगा कि एक बार तुमने राम कहा है तो इसका क्या फल तुम्हें दिया जाए, तो तुम यही कहना कि एक बार जो राम कहने का फल होता है वही दे दो। ठीक है। समय बीता, उसकी मृत्यु हो गई। एक बार उसने राम कहा था। यमराजों ने पूछा कि बताओ, तुमने एक बार राम कहा है, क्या चाहते हो उसके बदले में? उसने कहा वही दे दो जो एक बार राम कहने का फल होता है। पूरी किताब खोलकर उलट पलट डाले, पता ही नहीं चला कि एक बार राम कहने का कितना फल है। कहा बड़े अफसर से पूछो। सो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी, एक नया केस आ गया है, एक बार राम कहने का क्या फल होता है आप जानते हो? ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हम भी नहीं जानते हैं। एक काम करो, बाबा के पास चलो, उनको ज्यादा अनुभव है, वो बताएंगे। क्योंकि तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहुं अनंग हरति। सारे देवता बाबा के पास पहुंच गए। बाबा, एक बार राम कहने का क्या फल है? बाबा ने कहा जपता तो हूं लेकिन ये मैं भी नहीं जानता हूं। एक बार राम कहने का क्या फल है? एक काम करो ना, कि जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। और पूरे समूह के साथ सब भगवान के पास ही पहुंच गए। कहा प्रभु एक प्रश्न है। क्या? कहा आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है? भगवान ने कहा यह तो हम भी नहीं जानते हैं। भगवान को भी अपने नाम का क्या फल है ये बिल्कुल पता ही नहीं है। और मैं नहीं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं जानते। लेकिन भगवान ने उससे कहा कि महिमा तो नहीं पता है, लेकिन एक बार भी नाम लेने का प्रभाव ये है कि सारे देवताओं के साथ तुम मेरे सामने खड़े हो।